परफॉर्मेंस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। इवन कि इंडिया को 10-12 दफ़ा हरा चुके हैं। क्रिकेट का क्रेज़ तो हर स्टेज के ऊपर है। डेफिनेटली जैसे वो बता रहे थे कि ब्लाइंड की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। इवन कि इंडिया को 10-12 दफ़ा हरा चुके हैं। तो आई थिंक कि कोई एक फॉर्मेट तो हमारा है क्रिकेट में जो जिसमें इतने ऊपर और प्रोग्रेस हो रही है। सो आई एम श्योर कि जिस तरह कश्मीर की टीम आई, हैदराबाद की आई, लाहौर है, तो आई थिंक क्रिकेट का क्रेज़ तो हर स्टेज के ऊपर है। डेफिनेटली हम तो जहाँ भी क्रिकेट के लिए कोई एक्टिविटी है वहाँ पे हाजिर है, जो भी पॉजिटिवली कुछ पार्टिसिपेट कर सके। देखिए लाहौर कलंदर जो है वो हमेशा माशरे के हर तबके को साथ लेके चलता है। जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जब इस मुल्क में ये बातें होती थी कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया, और आपको याद होगा कि जब हमारा पहला टूर्नामेंट था उसमें हमारे जो मर्जिंग कैटेगरी थी 29 साल के थे, 31 साल के थे। फिर जब हम प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आए, सो हमने एक आम पाकिस्तानी नौजवान के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया, और वहाँ से फिर आपने देखा कि शाहीन, हारिस, फ़खर और जमान और बहुत सारे सितारे जो है वो दुनिया क्रिकेट में आए। सो इसी तरह जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिस तरह ये ब्लाइंड क्रिकेट है, इनको भी हम 3 साल से सपोर्ट कर रहे हैं। और ये देखें, इनका स्पेशली एबल्ड होते हुए भी इनके जज्बे को सलाम पेश करने को दिल करता है कि किस जज्बे के साथ वो इतनी ठंड में यहाँ पर खेल रहे हैं और टूर्नामेंट कर रहे हैं। सो हम पिछले 3 साल से इनको सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी इनको सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारे बिग बॉस हैं, और इससे हमने सारा कुछ सीखा और जहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त अभी ऐसा गेम जो हुआ है, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की टीम ने मेडल हासिल किया है इंडिया को। हम भरपूर वेलकम करते हैं एफसी और लाहौर के अंदर आसिफ राणा और डायरेक्टर लाहौर के अंदर आसिफ जावेद, दोनों ही बहुत बड़े नाम पाकिस्तान के। आसिफ जावेद किसी इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर जाबिर हुसैन साहब मौजूद हैं, हम उनको भी लाहौर क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड की जानिब से खुश आमदीद भी कहते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह पीएचडी मुकम्मल करने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। सर वेरी वेलकम टू यू, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए तमाम अहबाब के लिए ताकि इनको बुलाया जा सके। मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा इसके रिजल्ट्स बताइए। हेलो, हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा जी, कश्मीर वर्सेज हैदराबाद, और कश्मीर ने वो मैच बासानी जीत करते हैं। जाहिर है जी पाकिस्तानी टीम का बड़ा कप्तान है, नेशनल टीम का कैप्टन उनके साथ है, तो कश्मीर की बड़ी अवतराज गेम है। तो वो मैच जो है वो कश्मीर की टीम ने बासानी जीत लिया। पहला मैच कैसा रहा? मैच बहुत ज़बरदस्त रहा और दोनों टीमों ने एफर्ट की, कोशिश की, इस्तेमाल ठीक कर रहा तो जीता हुआ। कश्मीर की टीम ने मैच आसानी से जीता। यह चीज कश्मीर की टीम के लिए तालियां और बहुत तालियां बजाओ, बेवकूफी नहीं करनी, क्योंकि अली मीन साहब भी कश्मीर से हैं, तो इसलिए बहुत खुश आज। नहीं वो तो है, और कश्मीर ने हराया किसको? हैदराबाद को। हैदराबाद को, हैदराबाद के लिए भी तालियां बजाएं। हमारे सिंध से आए हुए, हैदराबाद से आए हुए प्यारे प्यारे भाई, और अभी उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी तो वो बता रहे थे कि उन्हें लाहौर का मौसम बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने कहा बस ये अब 15-20 दिन का लाहौर है मामला, फिर सर्दी खत्म हो जाएगी, दोबारा गर्मी हो जाएगी, और
तो रजाक भाई वहाँ हैदराबाद में भी कभी खेले हैं आप? जी बिल्कुल, बल्कि हैदराबाद में मैं खेला भी हूँ और वहाँ जाके इनकी ट्रेनिंग भी की है, कोचिंग भी की है हैदराबाद के खिलाफ की, तो हैदराबाद में बड़ा अच्छा। अगर मैं ये कहूँ कि इस इवेंट की रीढ़ की हड्डी है तो ये बड़ी छोटी सी बात है, ये माशाल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स की रीढ़ की हड्डी है। रजाक भाई ये लाएंगे फ्लाट आप देंगे सर आपसे तो सर थोड़ा सेंटर पे आ जाए, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए, हम थोड़ा लेफ्ट हो और सर हमें भी और हो जाए और हो जाए और भी सर गुड सर थैंक यू फिर अलीम दार साहब को थैंक यू निकल रहे थे तो मैंने थैंक यू अब वो रुक गए, उन्होंने कहा कि आतिफ के साथ जो है ना वो तो मैंने भी मीटिंग करनी है अस्सलाम वालेकुम तो यहीं काबू कर लेता हूँ मैंने कहा फिर मैंने आपको फ़ोन किया। अच्छा फिर वो कहने लगे कि उन्होंने सुबह जाना था दुबई, मैंने कहा अगर तो आप ना सके और उसको हम चले जाएँगे आतिफ भाई फिर आप आ जाओ वापस तो फिर इकट्ठी चले जाएँगे, मैंने भी मिलना है आतिफ भाई से, आप देखिए से हम टाइप कर रहे हैं आप तो लेकर जी हाँ आप किधर हो बीच में आप डार साहब के साथ ही आऊँगा अभी बीच में आ रहे थे वो आपके प्यार में दोबारा कर रहे हैं उन्होंने वैसे में आप बाप था अगर मैं 18 को दुर्गा फिर आ जाऊँगा जैसे और ये समझते हैं हमें ये सबसे खुशी के लम्हात ये है, आपसे मुलाकात भी हो जाती है और आपके लिए बड़ी देर दुआएं भी होती हैं साहब, बड़ी मोहब्बत करते हैं हमारी रीत की हड्डी है सभी कुछ ही शुक्र करे गले के ये कोशिश तक तुसी बड़ी कर रहे हो आज सर फोन तो जानते हो मैंने माशाल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स की रीड की हेडिंग हां वो उनको पहचानते हैं वो हमारी लाहौर के अंदर इधर ही होती है हां सही बात है जैसे ये लाहौर के अंदर है इसी तरह किसी भी को अपना पार्ट ऑफ पार्ट भी हमारे जिगर दिल जान पहले से रखे हुए हैं ठीक है।